आज इनकम टैक्स विभाग की टीम ने बीबीसी के जिन दो दफ्तरों पर सर्वे किया उनमें से एक दफ्तर दिल्ली में है और दूसरा मुंबई में है। दिल्ली वाला दफ्तर बीबीसी का मुख्यालय है और यहीं से पूरे भारत के ऑपरेशन संचालित होते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसमें इनकम टैक्स विभाग के कुल 20 लोगों की टीम शामिल थी और यह वही दफ्तर है जहां से बीबीसी पूरे इंडिया के अपने सभी ऑपरेशंस का संचालन करता है, यानी बीबीसी का हेडक्वार्टर। आज दोपहर लगभग 12 बजे जब आयकर विभाग की यह टीम दिल्ली में बीबीसी के इस मुख्यालय पर पहुंची तो इस दौरान वहां 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन इसके बाद इस दफ्तर को सील कर दिया गया और जो कर्मचारी दूसरी शिफ्ट में आने वाले थे या आ गए थे उन्हें वापस घर भेज दिया गया। और इसी दौरान बीबीसी ने अपने लंदन में स्थित मुख्यालय को भी इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बारे में पूरी जानकारी दी। बीबीसी पर यह कार्रवाई दो वजहों से हो रही है। पहली वजह है टैक्स चोरी। आरोप है कि बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्सेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय टैक्स से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया है और इनकम टैक्स विभाग को शक है कि इस दौरान बीबीसी ने टैक्स चुकाने की प्रक्रिया में हेराफेरी की है, जिसकी जांच के लिए सर्वे की यह कार्रवाई हुई। दूसरा आरोप बीबीसी पर है ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी का। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब यह है कि जब एक ही कंपनी के दो विभागों के बीच किसी सामान या सेवाओं का लेन देन होता है तो यह उसी कीमत पर होना चाहिए जिस कीमत पर इस कंपनी के बाहर बाजार में इस सामान या सेवाओं को बेचा जा रहा है, यानी मार्केट प्राइस पर होना चाहिए। बहुत बार कंपनियां क्या करती हैं, एक ही कंपनी में दो विभाग या एक ही बड़ी कंपनी की दो छोटी कंपनियां आपस में ट्रांजैक्शन करती हैं और ओवर बिलिंग कर लेती हैं, बाजार भाव से ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन कंपनियां अक्सर टैक्स बचाने के लिए ही इस तरह का काम करती हैं और बीबीसी पर भी यही आरोप है। बड़ी बात यह है कि आज आयकर विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों में जो कार्रवाई की उसे बहुत सारे लोग आयकर की रेड बता रहे हैं विभाग की, जबकि ये रेड नहीं है। रेड तब होती है जब आरोपी से जुड़े प्रमाण होते हैं और सर्वे की कार्रवाई तब होती है जब जांच एजेंसियों को सिर्फ शक होता है और इसके प्रमाण जुटाने के लिए इस कंपनी से सवाल पूछे जाते हैं और उसकी बैलेंस शीट चेक की जाती है। इसलिए हमें लगता है कि अगर बीबीसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स के विभाग के जो लोग हैं वो आएंगे, वो उनके डिजिटल जो उनके एसेट्स हैं उनकी जांच करेंगे, ट्रांजैक्शंस की जांच करेंगे, उनके लैपटॉप्स को हो सकता है कुछ देर के लिए जब्त कर लेंगे, मोबाइल फोन्स ले लिए जाएंगे और फिर उनकी जांच शुरू होगी। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी पर हमारे देश में कोई कार्रवाई हुई है। आजादी के बाद से अब तक भारत में बीबीसी पर दो बार प्रतिबंध लग चुका है और ये दोनों ही प्रतिबंध कांग्रेस की सरकारों ने लगाए थे। वर्ष 1970 में बीबीसी ने दो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का प्रसारण किया था, जिनमें से एक का नाम था कैलकटा और दूसरी फिल्म का नाम था फैंटम इंडिया, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज का निर्देशन फ्रांस के एक फिल्म निर्माता द्वारा किया गया था। लेकिन उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस सरकार का मानना था कि बीबीसी ने इन डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की है और इसीलिए तब इन डॉक्यूमेंट्रीज पर बैन लगा दिया गया था और बीबीसी के भारत में संचालन पर भी 2 साल तक प्रतिबंध रहा था। इसके अलावा वर्ष 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई तब भी इंदिरा गांधी की सरकार ने बीबीसी इंडिया के संचालन और उसके भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वही कांग्रेस पार्टी बीबीसी का बचाव कर रही है और आज कोई बीबीसी से ये नहीं पूछ रहा कि उस पर टैक्स चोरी के जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और उसने भारत के नियमों और कानूनों का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि हमारे देश का एक खास वर्ग और विपक्षी नेता अपनी ही सरकार से ये पूछ रहे हैं कि उसने बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की और वो बीबीसी की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वे करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। और कोई भी देश में न्याय से ऊपर तो या हमारी जो कानून व्यवस्था है उससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता।